आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे पर राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा व पूर्व जिला प्रमुख प्रदेश मंत्री सभा प्रभारी वंदना नोगिया, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अर्जुन नलिया नेतृत्व में युवा मोर्चा नसीराबाद ने आज न्यायालय परिसर व मुख्य बाजार नसीराबाद में आमजन को पीले चावल देकर 31 मई को प्रस्तावित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल सभा में आने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने बताया कि विश्व के सबसे ताकतवर लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। विश्व पटल पर जब किसी देश के मुखिया का नाम लिया जाता है तो सबसे ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी का नाम जानते हैं। विश्व के अनेक देशों के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष नतमस्तक है। मोदी ने दुनिया में भारत देश के गौरव को बढ़ाया है। मोदी ने सड़क सुरक्षा, शिक्षा, किसान, रोजगार, गरीब कल्याण, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, स्वच्छता, विदेश नीति सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। भारत देश व देश के लोगों को विदेश में मान सम्मान दिलाने का कार्य किया है। वंदना नोगिया ने आमजन से मोदी की जनसभा को विशाल बनाने तथा ऐतिहासिक स्वागत करने का आह्वान किया है। आमजन को पीले चावल बांटने उक्त कार्यक्रम में नसीराबाद नगर पालिका चेयरमैन अनिता मित्तल, वाइस चेयरमैन शंभू साहू, पार्षद सरोज बिस्सा, महेंद्र डाबी, उषा पथरिया, महेंद्र पथरिया और भाजपा मीडिया प्रभारी महेंद्र सौदे, शानु शर्मा सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2014 पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी अप्रत्याशित घटना थी। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। अभूतपूर्व बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और हम सभी का ये सौभाग्य है कि वो श्रृंखला जो है वो लगातार चली आ रही है। हम उस सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होते हुए देख रहे हैं। ये जो 9 वर्ष है यह ट्रांसपेरेंसी के 9 वर्ष है, भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के 9 वर्ष है, युवाओं को सशक्त करने के, महिलाओं को सशक्त करने के 9 वर्ष है। हम सभी का सौभाग्य है कि 9 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करने वाली है 9 वर्ष पूर्ण होने पर, उसके लिए हमारे देश के लोक लाडले प्रधानमंत्री और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अजमेर पधार रहे हैं। आज नसीराबाद में हम सभी को यहाँ पर जो अदालत का परिसर है, यहाँ पर सभी अधिवक्ताओं को, जो यहाँ पर सभी आमजन आए हुए हैं, उन सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। और उसके लिए हमारी राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका गुर्जर जी, हमारी प्रदेश की मंत्री आदरणीय वंदना दीदी का भी यहाँ पर हम सभी को सानिध्य मिला है। और हम मैं सभी यहाँ के आमजन से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मोर्चों के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि आगामी 31 मई को बड़ी से बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जी की सभा में पधारें। धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 31 मई को राजस्थान पधार रहे हैं और ये गौरव का क्षण है कि 9 वर्ष जो महान कार्यकाल उनका रहा है, न भूतो न भविष्यति, ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं और ऐसे गरीब कल्याण और सबका साथ सबका विकास के जो काम मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं, उस 9 वर्ष के कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान के रूप में इन कार्यक्रमों को मना रही है और इसका आगाज़ अजमेर से माननीय मोदी जी द्वारा होगा। ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु, युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु जी, हमारे प्रदेश की मंत्री वंदना जी और यहाँ के समस्त कार्यकर्ता बंधु घर घर जाकर और जो आम जन हैं उन सबको निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि इस गौरवशाली क्षण में वो भी सहभागी बने और देश के विकास के पथ पर ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और उनका उद्बोधन जो निश्चित रूप से देश के विकास के लिए और हम सब के लिए बहुत उपयोगी होता है उसको सुना। सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।